पाकिस्तान में इमरान सरकार के भविष्य का फैसला आज अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए सुबह 11 बजे होगा नेशनल असेंबली का सेशन। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाक जनता के नाम संबोधन में इमरान खान ने एक बार फिर की भारत की तारीफ। कहा, भारत एक खुददार देश है और वो अपने फैसले खुद लेता है। लश्कर सरगना और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 31 साल की सजा। लाहौर की आतंक विरोधी कोर्ट ने आतंकवाद के दो और मामलों में सुनाई सजा। यूक्रेन के क्रामतोर्स्क रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला, 52 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। यूक्रेन का रूस पर हमले का आरोप, रूस का आरोपों से इंकार। यूक्रेन के सैनिकों को ही ठहराया रॉकेट हमले का जिम्मेदार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों का प्रदर्शन जारी। रोजमर्रा का सामान आम लोगों की पहुंच से हुआ बाहर। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद चीन को नेपाल ने दिया बड़ा झटका। 1200 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनी का लाइसेंस किया रद्द। बंगलुरु महानगर पालिका का बड़ा फैसला, रामनवमी के दिन शहर में मीट बेचने का पर लगाई रोक। स्लॉटर हाउस भी बंद रखने के आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए आज होगा मतदान। 36 में 9 सीटों पर निर्विरोध जीत चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी अभियान आज से शुरू। शिमला में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे रोड शो। शाम 4 बजे पार्टी पदाधिकारियों से बैठक में चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। देर रात हैक हुआ सीएम योगी के दफ्तर का ट्विटर अकाउंट। हैकर्स ने एक के बाद एक ट्वीट कर सैकड़ों लोगों को किया अटैक। प्रोफाइल फोटो भी बदला। चीन में फिर गहराया कोरोना का संकट। केस बढ़ने के बाद 23 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान। करीब 20 करोड़ लोग घरों में बंद रहने को मजबूर। कोरोना की रोकथाम के लिए केंद्र ने उठाया बड़ा कदम। अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रिकॉशन डोज की इजाजत। 10 अप्रैल से निजी केंद्रों पर लगाया जा सकेगा टीका। अगले 10 साल तक ऑस्कर समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे विल स्मिथ। थप्पड़ कांड की वजह से लगा बैन। इस साल हुए समारोह में पत्नी के बालों पर कमेंट करने पर होस्ट क्रिस रॉक को जड़ा था थप्पड़। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू ही हुआ है और वहां की महज 2 इमारतों के मलबे के नीचे से 26 शव बरामद किए गए हैं। इसलिए खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि रूस की सेना ने बोरोदियांका में जानबूझकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लोगों को उनके मकानों के मलबे में मरने के लिए छोड़ दिया। इसलिए बोरोदियांका का सच क्या है ये जानने के लिए और आरोप है कि रूसी सेना इन लोगों को रोककर उनके मोबाइल फोन की जांच कर रही है ताकि वो शहर में हुई बर्बादी और बर्बरता की तस्वीरों और वीडियो को डिलीट कर सकें। यही नहीं, जिन लोगों के मोबाइल में रूसी सैनिकों को ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। आरोप है कि बुचा नरसंहार मामले पर संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद से बेदखल किए जाने के बाद रूस ने अपनी रणनीति बदली है और उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। खबर ये भी है कि यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा किए गए जुर्म के सबूत अब भी मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच रूस के ताबड़तोड़ हमलों से बचने के लिए वहां के कई इलाकों से लोगों का पलायन जारी है। वहां कुछ लोग अपनी गाड़ियों में तो कुछ बसों के जरिए शहर छोड़ने को मजबूर दिखे। इस बीच रूस ने पहली बार कबूल किया कि इस जंग में उसे भारी नुकसान हुआ और अच्छी खासी तादाद में उसके सैनिक मारे गए। इससे पहले यूक्रेन और नेटो ने बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों के मारे जाने के आंकड़े दिए थे जिसे रूस अब तक खारिज कर रहा था। लेकिन अब खुद पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पिस्कोफ ने माना कि जंग में बड़ी तादाद में उसके सैनिक जान गंवा चुके हैं। हालांकि उन्होंने इस पर कोई सटीक आंकड़ा पेश नहीं किया, लेकिन दावा किया जा रहा है कि जंग के दौरान सीधी लड़ाई में कई शहरों में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की सेना भारी पड़ी और छिपकर हमले कर रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कई टैंक तबाह कर दिए गए और उन पर बैठे सैनिकों को मिसाइल हमले में ढेर कर दिया गया, जिसकी पुष्टि पुतिन के प्रवक्ता ने भी की। We have significant losses of troops and it's a huge tragedy for us. रूस ने मार्च के आखिरी हफ्ते में बताया था कि उसके 1351 सैनिक युद्ध में शहीद हो चुके हैं जबकि करीब 4000 सैनिक घायल हुए हैं। वहीं यूक्रेन के एक ड्रोन ने रूस की फौज पर हमला कर दिया जिसके जवाब में रूस की सेना ने भी यूक्रेन के उस ड्रोन पर गोलीबारी की। पाकिस्तान में इमरान सरकार के भविष्य का फैसला आज। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए सुबह 11 बजे होगा नेशनल असेंबली का सेशन। इमरान ने अविश्वास प्रस्ताव को बताया अंतर्राष्ट्रीय साजिश। अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाक जनता के नाम संबोधन में इमरान खान ने एक बार फिर की भारत की तारीफ। कहा, भारत एक खुददार देश है और वो अपने फैसले खुद लेता है।
यूक्रेन के क्रामतोरस्क रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला, 52 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। यूक्रेन का रूस पर हमले का आरोप, रूस का आरोपों से इनकार, यूक्रेन के सैनिकों को ही ठहराया जिम्मेदार। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच लोगों का प्रदर्शन जारी, रोजमर्रा का सामान आम लोगों की पहुंच से हुआ बाहर। श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने भी ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद चीन को नेपाल ने दिया बड़ा झटका, 1200 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनी का लाइसेंस किया रद्द। बेंगलुरु महानगर पालिका का बड़ा फैसला, रामनवमी के दिन शहर में मीट बेचने का पर लगाई रोक, स्लॉटर हाउस भी बंद रखने का आदेश जारी। उत्तर प्रदेश में 27 सीटों पर एमएलसी चुनाव के लिए आज होगा मतदान, 36 में 9 सीटों पर निर्विरोध जीत चुके हैं बीजेपी उम्मीदवार। देर रात हैक हुआ सीएम योगी के दफ्तर का ट्विटर अकाउंट, हैकर्स ने एक के बाद एक ट्वीट कर सैकड़ों लोगों को किया अटैक, प्रोफाइल फोटो भी बदला। चीन में फिर गहराया कोरोना का संकट, केस बढ़ने के बाद 23 शहरों में लॉकडाउन का ऐलान, करीब 20 करोड़ लोगों के घरों में बंद रहने को मजबूर।